एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि वाई प्रोकैरियोटिक डीएनए हैज मोर मेल्टिंग टेम्परेचर देन यूकैरियोटिक डीएनए, या आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या किसमें ज्यादा होगी और क्यों होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सबसे पहले समझिए कि डीएनए की जो मेल्टिंग होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक डीएनए हो या यूकैरियोटिक डीएनए, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से। चूंकि यहां पे आप डीएनए में देख रहे हैं कि जो दो हेलिक्स है वो नाइट्रोजनस बेस के द्वारा जुड़े हुए हैं, और नाइट्रोजनस बेस को जोड़ कौन रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ रहा है। अब यहां पे समझिए, इन यूकैरियोटिक डीएनए जो गुआनोसिन प्लस साइटोसिन होता है वो लेस होता है, एंड एडेनिन प्लस थायमिन का अमाउंट जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। अब यहां पे गुआनोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ये ध्यान रखिए, एंड एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, थायमिन के साथ पेयरिंग करेगा। यहां प्रोकैरियोटिक डीएनए में देखें तो guanine plus cytosine is more, इट में ज्यादा होता है, adenine plus thymine का अमाउंट क्या होता है, लेस होता है। अगर prokaryotic DNA में guanosine plus cytosine का अमाउंट ज्यादा है, तो guanosine and cytosine ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सेटिस्फाइड होते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि डीएनए में, प्रोकैरियोटिक डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी। और मेल्टिंग किस पे डिपेंड कर रही है, मेल्टिंग डिपेंड कर रही है हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर पे। तो यहां पे प्रोकैरियोटिक डीएनए में चूंकि guanosine plus cytosine का अमाउंट ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू चरगाफ रूल, चरगाफ बेस पेयरिंग रूल पे वीडियो आ चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखिएगा। तो यहां पे अगर guanosine plus cytosine का अमाउंट ज्यादा है, बेस पेयर ज्यादा है प्रोकैरियोट्स में, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसलिए प्रोकैरियोटिक डीएनए का जो मेल्टिंग टेंपरेचर होगा वो ज्यादा होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शहर से धन्यवाद।